स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 में क्या है आपके पास, चार रिजल्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। वो चार रिजल्ट क्या है, सबसे पहले उन चार रिजल्ट को देखो क्या है आपके पास। अगर आपके पास दे रखा हो कोई कांस्टेंट, मींस y इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन हो, और उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो dy by dx, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। मींस कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपके पास, जीरो। जैसे आपसे ये बोला जाए कि आपको दे रखा है y इज इक्वल टू टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो। इस तरह से कोई भी नंबर दे रखा हो आपको, जैसे 2, 3, 5, 8, 9 कुछ भी दे रखा हो एक्स वाई जेड, उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो ये तो है आपका फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। उसके बाद है आपके पास सेकेंड रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट क्या बोलता है आपके पास, कि अगर कोई फंक्शन दे रखा हो आपको एफ एक्स, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर रखी हो किसी कांस्टेंट के साथ, और उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो वो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, उस डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, और ये डेरिवेटिव किसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, एफ एक्स के ऊपर, मींस सी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो आपके पास दे रखा है वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा आपके पास, कर दो डेरिवेटिव, वाई का कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कितना है आपके पास, 6x स्क्वायर। अब देखो 6 तो क्या है आपका, कांस्टेंट, तो इसको क्या करो आप बाहर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 6 dy dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, पावर हमेशा आगे आएगी, और इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, 2 as it is x की पावर 1, 6 to 12x आ जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, पावर को यहाँ आगे लिया, 6 × 12 x की पावर 1, वो आप थोड़े टाइम बाद एक्सपर्ट हो जाओगे, अपने आप ऐसे ही करने लग जाओगे। तो आया समझ में कि जब कभी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हो रखी हो तो उस कांस्टेंट को निकाल दो आप बाहर, और इस एक्स की पावर में कुछ दे रखा उसका जस्ट डेरिवेटिव कर दो, तो ये आपके पास है सेकेंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो u प्लस वी टाइप का, और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप मानोगे y इज इक्वल टू दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy by dx, दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ u प्लस वी, जो भी फंक्शन दे रखा उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये जो ऑपरेटर है आपका दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, मीन्स du by dx प्लस dv by dx। इस तरह से एक एग्जाम्पल से देखो तब समझ में आएगा। मान लो आपको दे रखा हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब तक आपने इस टाइप के फंक्शन नहीं किए, क्या क्या किए थे, x की पावर n किया था, ax प्लस b किया था, जो b था उसके साथ x की कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ कांस्टेंट था आपका। लेकिन अब की बार क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो इस तरह के फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सबसे पहले वही dy by dx, दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ 2x प्लस 6x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव क्या है आपके पास, दो के सम के ऊपर ऑपरेट हो रखा है, तो अलग अलग के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, कितना आएगा, d by dx of 2x plus d by dx of 6x square। अब इनका डेरिवेटिव निकालना आप जानते हो, कितना आ जाएगा आपके पास, 2 तो बाहर आ जाएगा, इस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x की पावर आपके पास 1 है, तो पावर आगे और x की पावर में इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये तो आया इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, 6 as it is, 2 को आगे ले आए, x की पावर एक पावर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 6 2 जा 12 x आपका एज इट इज। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस टाइप के फंक्शन का। जहां कहीं भी आपको 3, 4, 5 फंक्शन का सम दिखे और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे क्या करो, अलग अलग का डेरिवेटिव निकाल के उनका सम कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में है, अगर यू माइनस वी दे रखा होता तो क्या करते, यहाँ बीच में माइनस आ जाता बस आपका, ठीक है। एग्जाम्पल करोगे तब अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको, आपको एक फंक्शन दे रखा है एक्स का, ठीक है। आपने मान लिया वाई इज इक्वल टू 5x³ प्लस 8x² प्लस में माइनस 7x प्लस 10। इसका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या है, इसमें सम है फंक्शंस का, कैसे फाइंड आउट करोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए वही dy बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स और किसके ऊपर ऑपरेट करोगे 5x³ प्लस जो भी फंक्शन दे रखा उसके ऊपर डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दो, कितना आ जाएगा 8x² माइनस 7x प्लस 10। फिर उसके बाद क्या रिजल्ट बताया था, ये डेरिवेटिव अलग अलग के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 8x² प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस 7x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 10, ठीक है। माइनस का साइन मत भूलना, जहां कहीं माइनस दे रखा हो वहां पे माइनस जरूर लगाओ, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो आप सीधा यहाँ भी माइनस लिख सकते हो, अब आपकी मर्जी है। अब देखो इसके बाद इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 5 को तो निकालो बाहर, किस टाइप का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल का फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट को क्या करते हो आप बाहर निकालते हो, तो 5 आ गया आपका बाहर। अब x³ का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पावर आगे और एक पावर कम, ठीक है, 3 आगे एक पावर कम, प्लस 8 क्या है कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पावर को निकाल दो आगे और एक्स की पावर कर दो एक कम, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका बाहर, कितना आ जाएगा 7 कॉन्स्टेंट, 7 को रखो एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 कैसे आया, एक्स की पावर 1 है, 1 को निकाल दोगे आगे और इसकी एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 1 माइनस 1 जीरो, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है आपके पास 1, तो 7 × 1, ठीक है। प्लस ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट, फर्स्ट जो रिजल्ट था आज का वो क्या था कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 5 × 3 = 15x² प्लस 8 × 2 = 16x माइनस 7, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दे रखे हो आप उनको किस तरह से सोल्व करोगे, इस तरह से सोल्व करोगे, थोड़े टाइम बाद तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, 2 आगे पावर 1 कम, x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x² मीन्स 3 आगे 1 पावर कम, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या निकालनी है, आपको डेरिवेटिव निकालनी है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे कि इनके सम के टाइप के फंक्शन में, ये किस में दे रखा है, प्रोडक्ट में दे रखा है, तो प्रोडक्ट में दे रखा है तो क्या करोगे, इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, लेट वाई इज इक्वल टू x³ की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 5x³ - 3 प्लस 3x, आप एक पावर आपकी ये माइनस 3, ये बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी एड, माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 5x² - 3 प्लस 3x² ये कितनी बन जाएगी माइनस 2। अब आपका ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गया कि सम ऑफ टू फंक्शन की फॉर्म में, अब क्या करो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास dy/dx, दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे dy/dx किसके ऊपर ऑपरेट करोगे 5x³ प्लस 3x - 2, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, दो फंक्शन का सम है, दोनों वेरिएबल में है तो दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा आपका ये ऑपरेटर, कितना आ जाएगा d/dx ऑफ 5x³ - 3 प्लस d/dx ऑफ 3x² - 2। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा आपके पास, पावर आगे 5 को तो रखो एज इट इज, 5 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर निकालो फर्स्ट वाले रिजल्ट से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 बाहर आ गया,
माइनस थ्री एक्स की पावर, एक पावर कम करोगे माइनस थ्री माइनस वन, प्लस थ्री को रखो एज इट इज, पावर आगे, पावर आपकी आगे, और एक्स की पावर माइनस टू और माइनस वन, कितना आ जाएगा फाइव थ्री जा माइनस फिफ्टीन, एक्स की पावर ये कितनी हो जाएगी माइनस फोर, पल तीन दूनी छः, साथ में माइनस है तो आपका माइनस आ जाएगा सिक्स, एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी सिक्स पार्ट्स दे रखे हैं इनको ट्राई करना, ठीक है। बाकी दो तीन एग्जाम्पल बचे हुए उनको कल करेंगे।